नमस्कार, मैं कैंसी सक्सेना, प्रिंसिपल ऑफ रेवाशी पब्लिक स्कूल। आप सभी पेरेंट्स का इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। आज ये जो वेबिनार रखा गया है, ये जो हमारी नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बनी थी, उसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम ये जानें, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के कई अहम बदलाव किए गए हैं और ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले 1986 में ड्राफ्ट हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन हुआ एवं करीब 34 साल के बाद 2020 में कई अहम व महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसे इसके 108 पेजों के ड्राफ्ट में 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति बताया गया, जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य है, आवश्यकता को पूरी करना है। आइए हम इस नई शिक्षा नीति 2020 के हाइलाइट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम आज समझेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उन्होंने क्या चेंजेस करे। सबसे बड़ा चेंजेस जो किया है, उन्होंने 10+2 सिस्टम को चेंज करके 5+3+3+4 सिस्टम में उसको चेंज कर दिया। प्री स्कूल बाल वाटिका, इसमें जो एज ग्रुप के बच्चे रहेंगे वो है 3 से 6 साल के बच्चे, 6 ईयर्स के बच्चे रहेंगे। इसमें क्लास नर्सरी से लेके KG-2 तक के बच्चों को रखा गया है। इसके अलावा इसमें क्लास 1 और 2 के बच्चों को भी रखा गया है, जिनका एज ग्रुप रखा गया है 6 to 8। अब आए इसमें जो 3 है, इसमें जो 3 ईयर है वो रखा गया है क्लास 3 to 5 क्लास के बच्चों के लिए, जिनका एज ग्रुप रखा गया है 8 to 11। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 रखा गया है वो है अगेन 6 to 8 क्लासेस के लिए। इस एज ग्रुप के बच्चे रहेंगे 11 to 14 ईयर्स के। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रखी गई है 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए, कि यहाँ इस एज से उन बच्चों को कोडिंग डिकोडिंग सिखाया जाएगा, ताकि बच्चे इसी एज से सॉफ्टवेयर ऐप बनाना करना शुरू कर सकें। नेक्स्ट जो 4 है वो रखा गया है क्लास 9 to 12 के लिए। इसमें 14 to 18 एज ग्रुप के बच्चों को रखा गया है। इस एजुकेशन पॉलिसी में गिफ्टेड चाइल्ड, मतलब जो बच्चे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं, उनके लिए भी इस एजुकेशन पॉलिसी में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग रखी गई है फ्रॉम क्लास 6, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों को क्लास 6 से ही कोडिंग करना सिखाया जाएगा। टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन कर दिया गया है, ताकि जो बड़े बच्चे हैं, जो अपने 9 to 12 क्लास के बच्चे, उनको ऐप्स प्रोवाइड की जाएगी, टीवी चैनल्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू वो अपनी एजुकेशन आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरिएबल्स मॉडल्स दिए गए हैं बोर्ड एग्जाम में। अब कहा गया है जो बोर्ड एग्जाम है उसमें बच्चों की एंग्जाइटी कम करने के लिए बोर्ड एग्जाम अब ईयर में 2 बार लिया जाएगा। 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेंगे बच्चों का, जिसमें बच्चों को प्रॉपर ऑलराउंड डेवलपमेंट देखा जाएगा, उसके बेसिस पे उनका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। और क्या क्या नए बदलाव किए गए ये भी हम जान लें। ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को जो उनकी रीजनल लैंग्वेज में होगा। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो सॉफ्टवेयर बनेगा उनके फ्रेंडली बनेगा, ताकि वो आसानी से सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सके। जो नए चेंजेस उस शिक्षा में किए गए हैं उसके बारे में हम जान लें। पहले कि ये जो इसमें अब बच्चे जो कॉलेज लेवल में जाएंगे उनके लिए भी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रखा जाएगा, ताकि बच्चों के लिए एडमिशन प्लस मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम रखा जाएगा। मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम ये है कि बच्चा कभी बीच में जो भी पढ़ाई अगर छोड़ता है तो वो फिर से उसको कंटिन्यू कर सके, उसको आसानी से उसको प्रॉपर फिर से री एजुकेशन लेने में उसको कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए उन्होंने सबसे पहला एग्जिट प्रोग्राम रखा है। अगर बच्चा फर्स्ट ईयर करके स्कूल कॉलेज छोड़ देता है तो उस बच्चे को कोर्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर करके अगर स्कूल कॉलेज छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर बच्चे ने 3 ईयर में जाके अपना पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे बैचलर डिग्री दी जाएगी। लेकिन अगर बच्चे ने पूरा कोर्स कंप्लीट करता है 4 ईयर का तो उसे बैचलर। अब बच्चों के लिए एकेडमिक बैंक्स रखे जाएंगे जिसमें बच्चों के क्रेडिट्स जो भी उन्होंने जो भी अचीव किया है उसको उसमें सेव करके रखा जाएगा। बेस्ट यूनिवर्सिटी का सेटअप किया जाएगा ताकि बच्चे बाहर ना जाके इंडिया में ही अच्छी पढ़ाई कर सकें और इंडिया के काम आ सकें। सेकेंड थिंग ये भी रखा गया है जो मदर टंग यूज़ करनी है वो हमें क्लास 5th तक यूज़ करनी है ताकि बच्चे अच्छे से आसानी से सारा एजुकेशन समझ सकें पढ़ाई कर सकें। रिपोर्ट कार्ड कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड ना हो के स्किल और कैपेबिलिटीज बेस्ड रहेगा। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी बच्चा 12th पास आउट करता है आफ्टर देयर स्कूलिंग तो उसको कोई ना कोई एक स्किल आनी चाहिए जिसके लिए ये फोकस किया गया है जो इसमें सबसे बड़ी चेंजेस किए गए हैं NB 2020 में। चेंजेस इन हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस किए गए हैं कि MPhil को हटा दिया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट मतलब बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे ने 12th तक फिजिक्स पढ़ी और उसको वो चाहता है कॉलेज में हम जाके ह्यूमैनिटीज से पढ़े तो वो भी वो कर सकता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एजुकेशन में वो 6% बढ़ा दिया गया है जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है। अब NEP में टीचर्स के लिए भी कुछ चेंजेस किए गए हैं कि मिनिमम क्वालिफाइड टीचर्स जो रहेंगे वो BEd रहेंगे जिनका 4 ईयर इंडिकेटेड BEd जिन्होंने कोर्स किया होगा। लास्ट में और एक सबसे बड़ा चेंजेस आपको बताना चाहूँगी कि जो पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स हैं मतलब प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल वहाँ एजुकेशन जो रखा जाएगा वो सेम रखा जाएगा ताकि बच्चा कहीं पे भी रह के आसानी से पढ़ सकता है। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी आप लोग ने इस वेबिनार को अटेंड करने में अपना टाइम दिया हमें इस स्कूल को और आशा है आप सबको इस वेबिनार के थ्रू जो अपनी नई शिक्षा नीति है वो आपको समझ में आ गई। धन्यवाद।